प्रद्युमन हत्या मामले में रियान परिवार की जमानत याचिका पर आज पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान क्या हुआ, इस समय मेरे साथ हैं हरियाणा के एडिशनल एडवोकेट जनरल दीपक सबरवाल, इनसे जानते हैं। जी सबरवाल जी, आज सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सीबीआई को स्टेटस रिपोर्ट फाइल करने के लिए बोला है और जो उनकी इन्वेस्टिगेशन हुई है उसकी जो केस डायरी है उसको कोर्ट ने मंगवाया है कि उसको पेश किया जाए कोर्ट में और ट्यूसडे के लिए अडजर्न कर दिया मैटर को। सबरवाल जी, क्या जमानत जो है याचिका जो लगाई है उसका विरोध भी किया गया क्या? हाँ जी, सीबीआई जो कि अब प्रोसिक्यूटिंग एजेंसी है जो इसकी फर्दर इन्वेस्टिगेशन कर रही है, उन्होंने याचिका को अपोज किया है कि इस समय जो इन्वेस्टिगेशन है वो बड़े सेंसिटिव स्टेज पे है और इस समय हमें इनकी कस्टोडियल इंटेरोगेशन भी करनी पड़ सकती है एंड दे हैव दी सीबीआई काउंसिल एज अपोज्ड द बेल एप्लीकेशन। सबरवाल जी, अगली तारीख कब है इस मामले की? इसमें अब मंगलवार की तारीख लगाई गई है। सबरवाल जी, जुनेद हत्या मामले में भी आज सुनवाई हुई थी, उसमें क्या हुआ है? जुनेद हत्या मामले में जी आर्गूमेंट्स कंक्लूड हो गई हैं और कोर्ट ने जो अपना फैसला है सुरक्षित रख लिया। ये थे मेरे साथ हरियाणा के एडिशनल एडवोकेट जनरल दीपक सबरवाल। इनका कहना है कि प्रद्युमन हत्या मामले में रियान परिवार की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई है और सीबीआई ने रियान परिवार की जमानत का विरोध किया है। इसके साथ साथ इन्होंने ये भी कहा है कि आज जुनेद हत्या मामले में भी सुनवाई हुई है जिस पर हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। कैमरामैन संजय के साथ अनिल कुमार, टोटल न्यूज़ चंडीगढ़।